जो मेरे आका की शानों को गुस्ताखी करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम लोग के हवाले कर दिया जाए। और योगी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी जी ये सब कुछ छोड़ दो तो बेहतर है। मुन्नट है, दो पैसे का आदमी है, मुख्यमंत्री बना है तो हम ही लोगों से बना है। यहाँ पे जितने भी तटपुंजिया नेता हैं, वो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि होश में रहो, नहीं तो गिरेबान पकड़ के कुत्ते की तरह मारे जाओ। मोदी जी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के नीचे जो है वो तो गड़बड़ कर रहे हैं। मोदी जी सही कर रहे हैं, आप भी मान रहे हैं? हाँ मोदी जी सही है, मैं नहीं कहता हूँ। जो मोदी के नीचे जो है ना, कौन कौन मोदी जी के नीचे? ये तटपुंजिया नेता मैं बता दो रहा हूँ। अच्छा, ये तुम्हारे योगी हो गए पक्का। मैं क्या कहूँ, मुंह से क्यों बुरा निकलवा रहा हूँ? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है वो। मैं नट समझता हूँ, कैसे मुख्यमंत्री बना ये सब कोई जानता है। ऐसा बेईमानी जीत है, बेईमानी जीता है, पक्का बेईमान आदमी है वो। जैसे अगर वहां तक बात मेरी पहुंच रही है तो मोदी जी को ऐसे और योगी जी को ऐसे, मगर प्लीज उसके नीचे वालों को जरा समझे, वो समझेंगे। हम लोग की औकात नहीं, हम लोग वहाँ पे कुंडी खटखटाए सर ये ऐसा वैसा, नहीं हम लोग नहीं कर सकते, उनके नीचे वाले कर सकते हैं। उनसे कहो प्लीज जरा, थोड़ा सा हिंदू और मुस्लिम वाली बात नहीं है, बात ये है कि कम से कम सबको एक लाइन से एक नजर से देखो प्लीज। वरना ये कहाँ जाएंगे, ये हम लोग कहाँ जाएंगे? चलो हम गरीब है, हम अपने आप को कह रहे हैं, हम भी 200-300 रुपए रोज कमाते हैं भाईजान। कभी ऐसा हो रहा है यहाँ काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमारे घर का तो चूल्हा बंद हो गया सर। अभी हम जो योगी जी को या मोदी जी को बताएंगे जाके कि आज हमारे घर में खाना नहीं पका, बहुत छोटी सी बात, हम पड़ोसी को नहीं बता सकते सर। मगर प्लीज मेरा दोनों से ऐसे करके कहना है, थोड़ा सा आप अपने नीचे वालों को देखिए कि ये समाज में क्या कर रहे हैं। मतलब मोदी योगी सही है, विधायक सांसद सही काम नहीं कर रहा है जी। जो भी उन्होंने करा है गलत करा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जिस दिन ये घटना हुई थी, जब ये बात तय हो गई थी, कोई ना कोई इसमें मुसलमान सामने आएगा। अच्छा, अब वही हुआ। मेरा इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी को मारो किसी को कूटो, इस्लाम ये कहता है कि आप मोहब्बत से। इस्लाम ये नहीं कहता कि मारो कूटो, तो फिर लोग ये नारा क्यों लगाते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, और भी आगे लाइन आपको पता ही होगी। देखिए उसने मेरे आका की शान में गुस्ताखी करी, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर ही लोग रोड पर उतरते हैं, शहर की समस्याओं के नाम पे आज तक हमने किसी को उतरते हुए नहीं देखा। अगर जैसे ये घटना हो जाती, हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता, तो सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को? पार्टी जो आप जानते हो, मैं अब कहना नहीं चाहता, या आप जानते हो कौन सी पार्टी करवाना चाहती है। वही पार्टी तो नहीं है दंगा करवाने की कोशिश कर रही थी। हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है वही लोग साजिश कर रहे हैं। हाँ वही साजिश हो रही है, ये तो आप सब समझते हो। ये भाई साहब तो कह रहे हैं मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, जो उनकी सोच है। अच्छा, ये तो सोच है, नहीं हो रहा बिल्कुल नहीं यार, मेरा ऐसा कभी हुआ है। आप तो कह रहे हैं भेदभाव हो रहा, बता रहे कुछ नहीं, ये इनकी सोच है, मैं तो इनकी सोच पे कह रहा हूँ, इनकी सोच है। नहीं नहीं, सोचे दोनों की है, मगर एक बात उसमें ये है भाईजान, जैसे कि हम गरीब हैं, हमने फुल कर्जा वर्जा करके पढ़ाई करी, हमारा पेंडिंग में है। गरीबों को क्या चीज़ है जो नहीं दी जा रही है? सब कुछ मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है सर। हम तो चाहते हैं एक बार सरकार फिर आई है, कम से कम कुछ और बदलाव। इतना काम है उनने, जो एक 50-50 हज़ार का कार्ड बना दिया है गरीबों के लिए। नहीं आए अबे हम लोग, भाई वो आया कहाँ से पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया? हम ही लोगों को तो खून चूस के निकाला है, तो तुम्हारी तुम्हें दिया थी, तुम्हें दिया जा रहा है, खून चूस के निकाला किसे दे रहे हैं? हमारी अगर आईडी दे रहा है पूरी, तो आप कह सकते हो मेरी आईडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी फुल फॉर्म सब कुछ है हमारे पास। बता रहे मुसलमानों का नाम देखकर उनको नौकरी नहीं दी जाती है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है योगी सरकार। जो कोई आज नई बात नहीं है, जो तो पहले से ऐसा है, मुसलमान नहीं मिलती है। मगर बात सुनो, कोई आज योगी राज में नहीं है, सरकार में कितना योगी राज में ऐसा नहीं है, योगी राज में फिर भी वो जहाँ पे जो सेट करने को वो सेट कर रहा है ना, वो तो भाई जहाँ पे सेट करना है वही वो सेट कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं जो गलत सेट कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है हमारे अंदाज से। और ऐसा सीएम, ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं आया है। ऐसे क्यों होना चाहिए, क्या बढ़िया क्या कुछ बताइए। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं यार, अच्छे काम किया, अच्छे काम गिनाइए दो चार। कौन सा काम है जो नहीं करा? तो आप गिनाइए कौन कौन सा काम बहुत कर रहे हैं, ऐसे काम बताइए, ऐसे कौन सा करा? ये गड्ढे खुदवा दिए, तुम्हारी सुविधा कर रहे हैं, ये तो तुम्हारी इन्हीं की सुविधा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये गड्ढे खुदवाए काम हो रहा है, ये रोड पहले कैसा था कैसा हो गया, तो इन्हीं की सुविधा है ना। अरे हालचाल बहुत बुरे हैं, रोड में बहुत परेशानी होती है। अरे एक रोड कंप्लीट खोद के कंप्लीट करके दूसरा रोड पे लगा लगाए तो परेशानी नहीं हुई, पूरे शहर के रोड खोद के डाल दिया, अंटा चौराया घंटा घर और गर्रा फाटक, हम लोग को इतनी परेशानी हो रही है हम बता नहीं सकते आपको। हमारी समस्या ये है, जब से यहाँ पर ये सीवर वाले गड्ढे हो रहे हैं, 2 महीने लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, पूरा मोहल्ला पानी के लिए तरस रहा है। हम लोग ये समस्या है, वो मर्डर के जो वो ग्रंथ साहब जलाई गई हैं, वो जो है मसला गवर्नमेंट का है, पुलिस का है, कानून का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मसला जो है असल मसला पानी का है। यहाँ साफ सफाई का हाल ये है कि यहाँ हमारे दरवाजे पे जो कूड़े का डब्बा रखा है, करीब 15-20 दिन हो जाते हैं कूड़ा नहीं उठता है। 15-20 दिन में कूड़े नहीं उठता? उठता ही नहीं है। ये लोग संपर्क नहीं करते हैं यहाँ से सफाई कर्मियों से? 3-4 बार नगर निगम वालों को कॉल कर करके बुलाते हैं, तब 2-4 दिन में उठ जाता है। 2-4 दिन में उठ जाता है। आज सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे साथ, अभी भी मैं जा रहा हूँ बिजली का बिल सही करवाने, 1,60,000 का बिल आया है, जो कि कंपनियों का भी नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो विद्युत विभाग है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या रूल, इसके नियम क्या बना रही है?
भाई जब कोई आदमी आकर बिल निकाल देता है आपका और वो बिल गलत होता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए ना निकालने वाले पे, ना कि हम परेशान होते फिरेंगे। अच्छा आपने देखा होगा अभी चुनाव का माहौल बनने वाला है तो मस्जिदों में जो है धार्मिक ग्रंथों को जलाया जा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है? बिल्कुल, ये शरारती तत्व हैं जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और अपना राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को, और जितने भी लोग हैं उन्हें चिन्हित करके फौरन जेल में डालना चाहिए।